हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर। आज अपने बात करेंगे गाउट की बची हुई मेडिसिंस के बारे में। इससे पिछले वीडियो में अपनों ने बात कर ली थी कि व्हाट इज़ गाउट, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ गाउट एंड जो डाइट अपने को फॉलो करनी चाहिए, जो एक्सरसाइज अपने को इन्वॉल्व करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, वो अपनों ने बात कर ली थी। एंड दो मेडिसिंस के बारे में बात कर ली थी, अमोनियम फॉस्फोरिकम एंड बेंजोइक एसिड। आज अपने बची हुई जो 6-7 मेडिसिंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। थर्ड मेडिसिन इज़ बर्बेरिस। बर्बेरिस का जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो होता है एक तो गॉल स्टोन पे, एक रीनल स्टोन पर और एक गाउट पे होता है, ठीक है। अब इन तीनों में इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिसके बेसिस पे अपने सोचेंगे कि इसको अपने को बर्बेरिस देनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कि बर्बेरिस में स्टैंडिंग से एग्रावेशन होता है। स्टैंडिंग मेनली जो कंप्लेन इसके यूरिनरी सिम्टम की इंक्रीज होती है और एग्रावेट होती है स्टैंडिंग से, ठीक है। सेकंड इज़ कि इसमें माइग्रेटरी पेन होते हैं, मतलब जो पेन उसके कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, हर बार कहीं ना कहीं माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ ये लिथिक मेडिसिन है। लिथिक मतलब साइकोटिक मेडिसिन है, तो इसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। एंड इसको अपने टिंचर में यूज़ कर सकते हैं या 30 cc में या 200 cc में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कॉल्चिकम। कॉल्चिकम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है स्मेल से, स्पेशली फिशेस की स्मेल से। अपनी पूरी मटेरिया मेडिका में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें जो फिशेस की स्मेल से इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो। एंड सेकेंड इज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है टू टच ग्रेट टू। अगर इसका ग्रेट टू थोड़ा सा भी टच होएगा तो इसको अनबियरेबल पेन होता है। अपने पूरी मटेरिया मेडिका में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको गाउट का टच इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसलिए ये लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको भी अवॉइड करते हैं कि कहीं इनका पैर टच ना हो जाए, पैर का अंगूठा टच ना हो जाए। थर्ड इज़ इसका म्यूकस कोलाइटिस में बहुत अच्छा यूज़ है। म्यूकस कोलाइटिस में मतलब जिसमें इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ हो रखी हो, और वो भी कब हुई हो, जब उसको मेंटली कोई परेशानी हो और उसके बाद में दिक्कत हुई हो, जैसे मिसडीड ऑफ अदर, मतलब अगर किसी को कोई किसी का सीनियर है, किसी का बॉस है, उसने किसी दूसरे को वो डांट रहा है, लेकिन उस कॉल्चिकम के पेशेंट ने वो देख लिया तो उसको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मतलब जैसे ही उसको मेंटली इंसल्ट फील हुई, मेंटली उसको फील हुआ कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई उसका जो अपर कंपोस्ट का है वो उसको परेशान कर रहा है, तो कॉल्चिकम की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे केसेस में ज़्यादातर अपने स्टेफिसिगेरिया की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर स्टेफिसिगेरिया फेल हो जाती है तो अपने कॉल्चिकम के बारे में सोच सकते हैं। इसमें जहाँ पे भी किसी को या दूसरे को मेंटल प्रेशर में देखेगा या मिसबिहेव होता देखेगा किसी के साथ, इसको GIT के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इसको भी 30 cc में और 200 cc में इसका अच्छा रोल है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा जो है क्रस्ट एंड से बनती है। इसमें क्या है कि मतलब जैसे एक एज के बाद में जब सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हर पेशेंट अपने को हर जॉइंट में पेन बताता कि मेरे हर जॉइंट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने एक एज के बाद में अपने बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एज ए पलिएटिव मेडिसिन वी कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब फॉर्मिका रूफा, ठीक है। फॉर्मिका रूफा एंड मैकफॉस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ इनके डिफरेंसेस भी हैं जो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट इज़ की फॉर्मिका रूफा एंड मैकफॉस जो है दोनों राइट साइड की मेडिसिन है, ओके। एंड लेकिन जो मैकफॉस है उसमें ज़्यादा न्यूरेलजिक पेन होते हैं, मतलब उसको नर्व्स वाले पेन ज़्यादा फील होंगे पेशेंट को। एंड फॉर्मिका रूफा का जो पेशेंट होएगा उसमें ज़्यादातर रूमेटिक पेन होते हैं, मतलब उसको मसल्स के दर्द ज़्यादा होंगे, उसको जॉइंट पेन ज़्यादा होएगा, गाउट की दिक्कत में अपने इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे पेन्स में जहाँ पे अपने मैकफॉस दे रहे हैं लेकिन मैकफॉस अपना काम नहीं कर रही है, तो अपने फॉर्मिका रूफा की तरफ जा सकते हैं। इसके एम्ल्यूरेशन के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तीन चीज़ों से एम्ल्यूरेशन मिलता है, जैसे कि आजकल लोगों में ज़्यादातर लोगों को प्रेशर से आराम मिलता है, इसलिए लोग नी कैप पहन के रखते हैं, एंकल कैप पहन के रखते हैं, हैंड में पहन के रखते हैं, ठीक है। और सेकेंड इज़ लोगों को वार्म प्रेशर से, वार्म थिंग्स से आराम मिलता है, वार्म थिंग्स जैसे कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा आराम मिले। और थर्ड इज़ ऑइंटमेंट लगाने से। ऑइंटमेंट मतलब क्या कर रहा है, पेशेंट रबिंग और मसाज कर रहा है, तो ये तीनों इसके की एम्ल्यूरेशन के पॉइंट है। अगर आपको किसी पेशेंट में मिल रहा है कि उसको प्रेशर से आराम मिल रहा है, उसको मसाज और रबिंग से आराम मिल रहा है, और उसको हॉट एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है, तो अपने उसको फॉर्मिका रूफा दे सकते हैं, ये अच्छा काम करती है। इसको भी 30 cc और 200 cc में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ लिथियम काब। लिथियम काब के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसका लाइको के साथ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। लाइको के साथ इसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं,
फर्स्ट इज की दोनों राइट साइड की मेडिसिन है, सेकंड इज की दोनों में यूरिक एसिड डायथेसिस है, एंड थर्ड इज की हेमियोपिया मिलता है इसमें दोनों मेडिसिन में, वो भी स्पेशली राइट साइड का, ठीक है, राइट साइड की आई में हेमियोपिया मिलता है और राइट किडनी अफेक्टेड मिलेगी। जो लाइको में नहीं मिलता है, लाइको में हार्ट के सिम्टम नहीं मिलेंगे और लिथियम कार्ब में हार्ट के सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं। तो जब ऐसे केसेस में कि मतलब जहाँ पे लाइको आपको आराम नहीं दे रही है, स्पेशली जॉइंट के केसेस में, तो अपने को लिथियम कार्ब की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैगफॉस है, मैगफॉस आराम नहीं दे रही है जॉइंट के केसेस में, पेन में, रूमेटिक पेन में, न्यूरलजिक पेन में, तो अपने को फॉर्मिका रूफा की तरफ जाना चाहिए। वैसे ही अगर लाइको आराम नहीं दे रही है तो वी कैन ट्राई लिथियम कार्ब, ठीक है। अब इसमें मैं बोल रही हूँ कि जॉइंट एंड हर्ट की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तो जॉइंट एंड हर्ट दोनों की इन्वॉल्वमेंट कौन सी डिजीज़ में मिलती है, अपने को मिलती है RHD में, रूमेटिक हर्ट डिजीज़ में। तो अगर इसके जॉइंट हैं वो हीट से आराम मिल रहे हैं, ठीक है, एंड जो हार्ट की कंप्लेन है वो यूरिनेशन से आराम मिल रही है, तो अपने को लिथियम कार्ब देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हार्ट के सिम्टम हैं उनको यूरिनेशन से आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरिन के चार मेन जगह पे एक्शन है। फर्स्ट इज अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया कब, जैसे मेनली सेलफिश खाने के बाद में अर्टिकेरिया हो रहा है। अब कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद में अर्टिकेरिया हो रहा है, मतलब उसको एलर्जी है, तो मतलब कि इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ खाई और उसके बाद में एलर्जी हो गई। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है कि कोई एलर्जी हुई, फिर एंजियोडर्मा हो गया, सब जगह पर स्वेलिंग 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 मिलेगी, ठीक है। सेकेंड डिग्री बर्न में अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड डिग्री बर्न में अपने को क्या मिलता है, ज़्यादा वेसिकल्स मिलती हैं, मतलब उसके पूरे शरीर में जहाँ पे भी बर्न हुआ है वहाँ पे तुमको वेसिकल 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 मिल रही हैं, तो उसमें अपने अर्टिका यूरेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर यही फर्स्ट डिग्री बर्न होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस मिल रही होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉनेस मिल रही होती, बर्निंग होती, तो कैंथेरिस फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड थर्ड डिग्री बर्न मतलब अब उसमें अल्सरेशन हो गए हैं, अब उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केसेस में कार्बोलिक एसिड का अच्छा रोल है। थर्ड इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है एग्लिक्टिया में, मतलब उसका मिल्क सिक्रेशन जो है सप्रेस हो गया है, किसी एलर्जी की वजह से हो गया है, कुछ उसने ऐसा खा लिया उसके बाद में उसका मिल्क सिक्रेशन जो है सप्रेस हो गया, तो ऐसे केसेस में भी अर्टिका यूरेंस अच्छा काम करती है। फोर्थ इज गाउट। गाउट के केसेस में भी अर्टिका यूरेंस का अच्छा रोल है और अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और ये भी 30C और 200C में यूज़ करनी चाहिए। तो पहले वाली तीन कंडीशन थी उनमें 30C या 200C में यूज़ करनी चाहिए। टिंचर के रूप में, गाउट में टिंचर के रूप में यूज़ करनी चाहिए, टिंचर में ज़्यादा इफेक्टिव है ये। थैंक यू एवरी वन, एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो कमिंग फॉर स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन AIPGE 2022 और अदर होम्योपैथिक कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइज, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड द वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन नेक्स्ट ईयर AIPGE 2022। ओके, थैंक यू।